तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप जो है कार्ट्रिज प्रिंटर में इंक टैंक कैसे इंस्टॉल करें। तो हमने ये दोस्तों फ्लिपकार्ट से जो है इंक टैंक मंगा लिया है। इसको आप CISS के नाम से जो है सर्च करेंगे तो आपके पास जो इंक टैंक आ जाएगा, और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से खरीद सकें इंक टैंक को। तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, क्या है दोस्तों देखते हैं अंदर। पैकेजिंग फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत ही अच्छी दे रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये है हमारा जो डब्बा अंदर से निकला, ये हमारा डब्बा निकला है यहाँ पे। इसमें लिखा है यूवी इंक, ए ग्रेट आइडिया जस्ट गॉट बेटर। ये दोस्तों इस तरह का जो टैंक है इसके अंदर है। जो है यहाँ पे हम जो टेप लगी है इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों, अंदर से जो है इस तरीके का कुछ टैंक जो है निकला है हमारे पास। ये हमारा इंक टैंक है, इसके अंदर डाल रखा है। और ये हमारे कुछ इसके जो प्रोडक्ट है वो है। तो चलिए बारी बारी सर हम इनको खोल लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले हमको जो यहाँ पे चार सिरिंज मिली है, तो आप देख सकते हैं चार सिरिंज जो आपको दी गई है, और एक एक सुराख करने के लिए जो बिट दी गई है जिसको जर लगी हुई है पूरी, इसको जो जर है पूरी लग रखी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसा ही है काम होता। ये हमारा जो है इंक को खींचने के लिए जो है कार्ट्रिज के अंदर लगाने के लिए वो है। ये अभी हम इसको टैंक को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा जो है टैंक है, और साथ में इसके जो है कुछ स्किन नोजल्स वगैरह है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसको भी खोल लेते हैं पहले। इसके अंदर हमको ये जो है एंगल मिल जाता है, टी एंगल। ये हमें चार कलर के लिए जो इसके ढक्कन मिल जाते हैं, ये हमारे पास चार कलर के जो ढक्कन है यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है ये हमें कहीं पे जो पाइप है उसको अटकाने के लिए काम आते हैं, ये दो मिले हैं। और ये हमको ये जो टैप में जो कभी भी हमें कनेक्शन डालना है तो उसके लिए जो ये मेरी मिले हैं। ये हमें कभी भी जो टैप है उसको कहीं से काट के जोड़ना है वहाँ पे लगाने के लिए काम आता है। और ये हमको इंक के लिए स्टिकर मिले हैं। और ये कुछ हमें नोजल्स मिली है, ये आप देख सकते हैं। ये हमें चार जो है इसकी नोजल्स मिली है, ये चार हमारी नोजल्स हैं। और ये चार जो है रबर गैसकेट्स हैं जिनको हमें जो है कार्ट्रिज के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे प्रिंटर की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको अपना प्रिंटर दिखा देता हूँ पहले। दोस्तों, ये है हमारा प्रिंटर। तो हम इसकी जो पावर सप्लाई है उसको काट लेते हैं पहले। ये हमने पावर सप्लाई जो है निकाल ली है इसकी, ये हमारा प्रिंटर है। तो अभी हम इसको ले चलते हैं हमारे इंक टैंक की तरफ। ये हमने यहाँ पे रख देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो है इसको यहाँ से जो दो नट हैं इनको खोलना है। ये यहाँ पे दो नट दे रखे हैं, एक ये है एक ये है, इनको खोलना है। तो जल्दी से मैं इन नट को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इस पे जो है अपने स्टिकर लगा लेते हैं कि हम कौन सा कलर किस उसमें डालेंगे। तो हमने सबसे पहले ब्लैक डाला है, उसके बाद येलो, उसके बाद जो है हमारा मजेंटा है, उसके बाद सियान है। तो हम जो सारे स्टिकर हैं उनको लगा लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमने सभी पे जो है स्टिकर लगा लिया है, और इस ऊपर से इनकी कैप भी लगा लिया है। तो अभी हम जो है इंक इसमें फिल करेंगे।
तो सबसे पहले इंक फिल करने के लिए हमें जो है ये इसके पीछे वाला जो है होल है इसको बंद कर लेना है। इसको ऐसे बंद कर लीजिए दोस्तों। और फ्रंट वाला जो है उसको खोल लेंगे। हमने दोस्तों तीनों जो होल है वो चारों जो होल है वो बंद कर लिए हैं। अभी हम इसमें इंक फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक इंक को फिल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो ब्लैक इंक है उसको फिल कर लिया है, तो अभी जो है हम येलो वाली इंक को फिल करेंगे। ये हमने दोस्तों येलो भी इंक फिल कर लिया है। तो अभी हम जो है दोस्तों वो हम जो रेड है जो मजेंटा है उसको फिल करेंगे। तो दोस्तों इंक फिल करने से पहले हमने ऐसा कर लेना है कि जो हमारे पास लॉक है उसको पहले बंद कर लेना है। इसको ऐसे बंद कर लीजिए पहले। तो दोस्तों ये मैं पहले भूल गया था, इसलिए आप पहले ही जो है बंद कर लीजिए इसको ऐसे करके। तो उसके बाद ही जो है इंक का प्रीफिल करना शुरू कीजिए। ये हमने दोस्तों रेड भी जो है फिल कर दी है। अभी हम जो है यहाँ पे जो ब्लू है उसको फिल करेंगे दोस्तों। तो ये हमारी ब्लू इंक, इसको फिल कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमने ब्लू भी फिल कर दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो तीनों इंक है उसको फिल कर दिया है। अभी हम जो है इनके कैप लगा देंगे। इन कैप को अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों, और पीछे वाली जो उनको खोल देना है आपने, इनको खोल देना है दोस्तों पीछे जो है ये। ये हमने दोस्तों जो छोटे वाले होल थे उनको खोल दिया है। तो अभी दोस्तों हमने क्या करना है, कार्ट्रेज लेने हैं अपने प्रिंटर के। तो दोस्तों ये है हमारी कार्ट्रेज, ये हमारी ब्लैक है और ये है हमारी कलर। तो अभी हमने क्या करना है, इनका जो ऊपर से स्टिकर है उसको उतार लेना है सबसे पहले। ये हमने ऊपर से स्टिकर उतार लिया है इसका, और इसमें अभी हम इसके सहायता से जो है होल करेंगे। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसमें होल कर लेता हूं अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे जो होल है कर लिए हैं। अभी हम इसमें जो है वो गैस्केट डालेंगे जो हमने पहले आपको दिखाई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इंक है फुल फिल करेंगे। तो हम जो है इंक को जो है सिरिंज में भरेंगे और इसको कार्ट्रिज को फुल फिल करेंगे। तो ये हमने पहले ब्लू इंक है जो उसको फिल कर लेते हैं दोस्तों ऊपर तक, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
क्या करेंगे, इसको टिश्यू पेपर से जो है साफ कर लेंगे, जो बाहर हमारी इंक निकली आई है उसको हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। तो अभी जो है हम अगला जो येलो कलर है उसको हम दोबारा इसका जो सिरिंज है उसको भरेंगे। हमने दोस्तों येलो वाली भी है जो फिल कर ली है, अभी हम जो है रेड वाली फिल करेंगे। तो दोस्तों अब हम रेड वाली जो है फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने जो सिरिंज है उसकी सुई सीधी नहीं डालनी, आपने टेढ़ी डालनी है थोड़ी सी, जिससे कि वो हेड में जाके ना लगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने जो है रेड वाली भी फुल कर दी है, ये हमने जो है तीनों कलर जो है पूरे फिल कर लिए हैं। अभी हम इसको ऐसे में साफ कर देंगे। तो इसके बाद हम जो है इसमें गैसकेट भी, ये आपने रबड़ की इसमें मिली होगी आपको इंक टैंक में, ये आप देख सकते हैं, इनको लगाना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में लगा लेता हूँ। दोस्तों आपने किसी चीज की मदद से इसको डालना है, ये आसानी से जो है अंदर नहीं जाएगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है ये डाल दिया है और ऊपर से हम जो है टिश्यू पेपर से इसको साफ कर देंगे। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो इंक है वो नीचे से लीक हो रही थी, इसलिए आप इसको पेपर के साथ कैसे जो है पढ़े। अभी जो है हम ब्लू वाली के ऊपर जो है वो लगाएंगे अपनी हमारी जो रबर गैसकेट है, इसको हम इस पे ब्लू वाली पे लगाएंगे। तो दोस्तों हम जो है ब्लू वाली भी डाल रहे हैं, हमने जो तीनों है वो ऐसे ही डालनी है। तो दोस्तों जल्दी से हम जो है इनको डाल लेते हैं। दोस्तों ये जो नोजल्स है हमने इसमें लगा लेनी है, आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे लगनी चाहिए ये पूरी सिरे तक सिरे तक। अब हम अगली जो है अगले जो कलर पे है वो लगा लेते हैं। ये दोस्तों इसका जो बारीक वाला हिस्सा है उसको हमने पैप में डालना है। ये दोस्तों देख सकते हैं हम,
ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अगली भी लगा ली है, और अब हम अगली लगा देखते हैं आप तीसरे वाली। तो दोस्तों हमने जो है ये पैप चेक कर लेने हैं कि इनमें जो है हवा ना रहे, और हमने जो पैप कनेक्ट कर दिए हैं, और इसको आप कार्ट्रिज को जो है अपने पेपर पे रख देना है, ताकि जो है जो जितना कार्ट्रिज में जो इंक लीक होना है वो हो जाए, और हमारे प्रिंटर में ना जाके इंक जो है वो लीक ना हो। इसलिए आपने जो यहाँ से कैप है उनको बंद कर देना है, ताकि जो फालतू इंक है वो इससे जो टैंक से इंक है वो यहाँ तक ना जाए। तो आगे हम दोस्तों क्या करते हैं, हम ब्लैक वाली जो कार्ट्रिज है उसका जो ये उतार लेते हैं पहले। ये हमने कवर उतार दिया ब्लैक वाले का। ये हम दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो ये इसके जाल सा बना हुआ है इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। हम अभी इसको तोड़ देते हैं पहले दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी ऊपर से जाल सा बना हुआ था उसको जो है कटर की सहायता से तोड़ दिया है, और इसमें ये आप देख सकते हैं हमने एक सुराख भी कर लिया है, जिसमें अभी हम जो है गैसकेट जो है बिठाएंगे। सो दोस्तों ये जो इंक कार्ट्रिज है इसमें बहुत ही मुश्किल से जो ये बैठेगी। तो दोस्तों जल्दी से आपके सामने जो है मैं आपको ये बिठा के दिखाता हूँ। आपको इसको दोस्तों धीरे धीरे से बैठाना है, ताकि ये टूटे ना और अच्छे से जो है बैठ जाए, और यहाँ से जो एयर है वो लीक भी ना हो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बैठ चुकी है। तो अभी जो है इसमें मैं ब्लैक इंक जो है उसको रिफिल कर लेता हूँ, इसको फुल भर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो ब्लैक इंक है उसमें भी जो ये पाइप है वो लगा दिया है। अभी हमने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर दोनों इंक कार्ट्रिज को जो है रख दिया है, ताकि जो इनने जो जितना भी ओवरफ्लो होना है वो हो जाए, और उसके बाद जो है हम इनको प्रिंटर में फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जो है अभी प्रिंटर को जो है खोल लेते हैं। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे पेपर के लिए जो ये ढक्कन दे रखा है इसको निकाल लिया है, अभी जो है लेते हैं जल्दी से। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने दोनों नट जो है खोल लिए हैं। अभी हमने क्या करना है कि इसका जो ये वाला ढक्कन है इसको खोल लेना है। इसको खोलने के लिए हम जो है टेस्ट पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो है धीरे धीरे से इसको उठाना है, ताकि जो हमारे लॉक है वो ना टूट जाए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है ढक्कन इसका खोल लिया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है दो केबल दे रखी है यहाँ पे, इनको हमने खोल लेना है। ये हमने दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने दोनों केबल खोल लिया है। अभी क्या करना है, हमने यहाँ से पीछे से प्रिंटर को उठाना है, और इसको पीछे की तरफ को पुश करना है, जिससे कि जो हमारा ऊपर वाला है वो अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा कार्ट्रिज कंपार्टमेंट। यहाँ से हम जो है इसका पाइप जो है अंदर लेके आएंगे, और यहाँ पे जो है हम टैंक इंस्टॉल करेंगे।
ये हमने जो कार्ट्रिज है दोस्तों ये इंस्टॉल कर दी है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे इनको हिला के कि कहाँ पे जो हमारा फिट है वो बैठ रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हमने रखना है इसको, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो है पाइप वो अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हमने जो टैंक है वो इंस्टॉल कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनसे जो निकल रही है पाइप उसको हमने प्रिंटर के अंदर डाल दिया है, और आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ से जो है वो पाइप आ रहा है, और इसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ट्रिज में फिट कर दिया है। ये आपको मैं कार्ट्रिज भी जो है उसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये पाइप है हमने कार्ट्रिज के ऊपर लगा दिया है। ये हमने यहाँ पे फेविक्विक की यूज किया था। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है यहाँ पे कहीं पे भी फंस नहीं रहा। इसको ऐसे सेट करना है दोस्तों कि ये पाइप जो है कहीं पे भी फंसे ना। या यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है चिपका दिया है इसको, ये यहाँ पे मैंने इसको फेविक्विक की मदद से जो है यहाँ पे चिपका दिया है ऊपर की तरफ इसको। और अभी मैं जो आपको है प्रिंटर निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा प्रिंटर निकालता है। तो इस प्रिंटर निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो टैंक है उनका जो रेड ये ब्लैक वाला है उसको हमने ये वाला खोल देना है। हमने जब भी हम दोस्तों प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाला जो ढक्कन है इनके छोटे वाले इनको खोल देना है जब भी हम प्रिंटिंग जो है स्टार्ट करेंगे। और जब प्रिंटर को हम बंद करेंगे लंबे समय के लिए तो आप इस इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। तो अभी हमने जो है प्रिंटर निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास ये वो पेज है इसका हम प्रिंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो पावर केबल है उसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है पावर केबल लगा दी है। अभी हम जो है इसका बटन दबाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो एलईडी है वो ग्लो होनी स्टार्ट हो गई है, और हमारी जो प्रिंटर भी है उसमें से भी आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी दोस्तों हम ये प्रिंट जो है इसको निकालेंगे, इसको हम स्कैनर पे रख लेते हैं। ये हमने पेज इंस्टॉल कर दिए हैं। ये अभी हम ब्लैक वाला बटन दबाएंगे और देखेंगे प्रिंट निकलता है या नहीं। तो ये दोस्तों हमारा जो प्रिंट है वो आ गया है, ये हमारा प्रिंट है वो आ गया है दोस्तों। और अभी हम जो है कलर कॉपी निकालेंगे इसमें से। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो क्लियरिटी है वो भी ठीक है। तो अभी हम जो है कलर कॉपी निकालेंगे इसमें से और फिर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी कलर प्रिंटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो कलर प्रिंट है वो भी निकल आया है। ये आप देख सकते हैं कि कितना जो अच्छा है इसने कलर प्रिंट जो है निकाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है या आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।